डॉक्टर्स, महिलाओं की बहुत सारी समस्या होती है, लेकिन महिलाएं फिर भी आयुर्वेदा के पास ना जाकर एलोपैथी की तरफ रुख कर लेती हैं, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि ये एक धीमा धीमा ट्रीटमेंट है। इससे एकदम से आप एक्यूट कंडीशंस को आप ठीक इमीडिएटली ठीक नहीं कर सकते हैं। आपको अगर किसी डिजीज को जड़ से हटाना है तो आयुर्वेदा का सबसे बड़ा रोल है, और इसीलिए क्योंकि इट इज अ स्लो एक्टिंग ट्रीटमेंट तो लोग सोचते हैं कि हमें जल्दी जल्दी आराम मिल जाए। आजकल फास्ट वर्ल्ड है तो लोग सोचते हैं हमें जितनी जल्दी ठीक हो जाए हम उतना अच्छा रहेगा, पर ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर हम अपने आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल की जानते हुए अगर हम ट्रीटमेंट ले तो हम उस डिजीज से, उस व्याधि से हम पूर्णतः संपूर्ण रूप से अलग हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, महिलाओं की बहुत सारी समस्या होती है, कई बार होता है, देखिए हम वो समस्याएं बता देते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, लेकिन कई बार कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो नहीं बता पाती हैं खुलकर, और फिर ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो गंभीर रूप ले लेती हैं। सबसे पहले तो ये जानने की मैं कोशिश करूँगी कि जो महिलाएँ आपके पास आती हैं ट्रीटमेंट के लिए, उन्हें किस तरह से आप तैयार करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो जो भी पेशेंट आता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसको ये बात अच्छी तरह से समझाया जाता है कि अपने डॉक्टर से हर तरह से खुलासा करके बात करिए, क्योंकि जब तक आप अपनी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। खासकर महिलाओं में जो बीमारियां होती हैं, या तो कमर में दर्द होता है, सफेद पानी का आना जैसे लिकोरिया होता है, या फिर कहिए कि बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं, और स्पेशली व्हेन द यंग गर्ल्स आती हैं और उनको बहुत पेन होता है, तो उस टाइम पर उनको बहुत शर्म आती है बताने के लिए कि हमें पीरियड्स की प्रॉब्लम है, हमें पेट में बहुत दर्द होता है, उस टाइम हम काम पर नहीं जा सकते हैं, और उसके कारण से वो अंदर ही अंदर बहुत सारी बीमारियों को अपने अंदर घर कर लेती हैं। तो इसलिए हम हमेशा समझाते हैं कि भैया अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसको अच्छी तरीके से अपनी बीमारी का ठीक प्रकार से बताइए, जिससे कि आप उसको इलाज भी ठीक से होगा और आप स्वस्थ रह पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर, तो उनको मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है, हर एक मरीज को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है।